अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे रेसिपी इज़ चॉकलेट इक्लेयर्स कपकेक्स, और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसे लगे आप लोगों को, ठीक है। इसके लिए हमें लेने हैं तीन अदद अंडे लेने हैं हमें, ठीक है। इसके लिए मैंने लेने हैं 12 टेबल स्पून चीनी लेनी है मैंने, ठीक है। 12 टेबल स्पून चीनी लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए मैंने एक छन्नी में नीचे प्लेट रखकर इसके अंदर मैंने लिए 9 टेबल स्पून मैदा लिया, ठीक है। 9 टेबल स्पून मैदा लेके इसमें डाल दिया मैंने। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर। मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर। अब इसमें मैं 3 चम्मच कोको पाउडर डालूंगी। 9 टेबल स्पून इसमें मैदा हो गया और 3 चम्मच इसमें हो गया कोको पाउडर, तो टोटल हो गया 12 टेबल स्पून, ठीक है। चीनी भी हमने 12 चम्मच डाली है और ये पूरा टोटल बन गया 12 चम्मच, ठीक है। ठीक है, अब इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे हम लोग, उसको अच्छी तरह छान के 2-3 दफ़ा छान लीजिएगा ताकि हमारे लम्स ना बने, हमारे बैटर में अच्छी तरह बन जाए। अब हम लोग अपने ग्राइंडर में पहले हम लोग 150 ml में इसमें ऑयल डालूंगी, उसके बाद मैं अपने 12 टेबल स्पून चीनी डालूंगी, उसके बाद मैं अंडे एक एक करके वन बाय वन तोड़ के मैं तीनों अंडे इसमें शामिल कर दूंगी, ठीक है। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको हम ब्लेंडर में बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए बना रही हूँ क्या कि जिनके पास ना हो तो वो भी इस तरह ट्राई कर सकें। अब हम इसमें अपना अंडे डाल देंगे, ठीक है। तीनों अंडे मैंने डाल दिए। अब मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस डाल के मैं इसको बीट कर लूँगी। उसको बीट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, इतना देर बीट करना है कि हमारी चीनी जो है वो घुल जाए। थोड़ा सा हम लोग वनीला एसेंस डालेंगे इसमें, चंद कतरे, बिल्कुल देखिए मैंने हाफ थोड़ा सा लिया है, चंद कतरे इसमें वनीला एसेंस डालकर इसको अब हम बीट कर लेंगे। अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे ग्राइंडर में। अब जैसे इसको ब्लेंड करेंगे कि इसकी चीनी हमारी थोड़ी सी घुल जाए, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको ब्लेंड करने में, 5 मिनट लगेंगे आप लोग ब्लेंड करने में। 5 मिनट का आप लोग ब्लेंड करिएगा बस, इसको 5 मिनट ब्लेंड हो जाए तो हमने जो अपना सारा छान के रखा है, अपना जो सारा सूखे मसूखी हुई चीज़ें वो इसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे। आप लोग एक बॉल में निकाल कर भी इसको बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आसान मेथड बता रही हूँ, इससे भी आप लोगों को आसानी होगी बहुत। हम लोग उसको ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। 5 मिनट ब्लेंड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ये कपकेक लाइनर लगा कर अपने ट्रे में उसको हल्का सा ब्रशिंग कर देंगे। जो मैंने ऑयल डाला था जिसमें 150 ml, उसी में से हल्का सा ऑयल होगा इसके अंदर, थोड़ा सा ही तो बचा हुआ तो होगा साइडों में, तो उसमें से लेके मैं ब्रशिंग कर दूँगी इसका ऑयल का, ठीक है। और अपने जितनी भी आप लोगों को ट्रे बनानी है, अभी मैं 2 ट्रेस बना रही हूँ उसकी, ये बैच कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं दूसरा बैच बनाऊँगी, ठीक है। अब मैंने ऑयलिंग कर दी है इसकी, आप चाहें तो करें नहीं करें, चलना ही चाहें तो नहीं करें, मैंने इसमें हल्की सी ऑयलिंग कर दी है, ठीक है। अब जो ये मैंने छाना हुआ सारा मिक्सचर है, जो हमने सारा छान के आप लोगों को बताया कि मैदे का सारा मिक्सचर हमने छान के अच्छी तरह से रख लेना, वो मैं एक दफ़ा और छान रही हूँ, ठीक है। इसको छान लेंगे हम लोग, आप लोग भी इसी तरह करिएगा जैसे मैंने छाना है, ठीक है। अब आप लोगों को ये करना है कि दो से तीन चार चम्मच हम इसी ब्लेंडर में जिसमें मैंने ब्लेंड किया है अपना बैटर केक का अंडे वगैरह, इसमें हम लोग 3 से 4 चम्मच डालकर और इसे ग्राइंड कर देंगे, एक दफ़ा हल्का सा चला देंगे, ज़्यादा देर नहीं, एक दफ़ा इतना चलाएंगे कि थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए, ठीक है। इस तरह आप लोगों को आसानी रहेगी, ज़्यादा स्पैचुला चलाना नहीं पड़ेगा, वो तरीका भी अलग है, लेकिन मैं इस तरह आसानी से आपको बता रही हूँ कि आप लोग आसानी से फटाफट आप लोग 10 से 15 मिनट में अपना केक का बैटर रेडी कर सकते हैं। अब इसको ब्लेंडर में हल्का सा हिला देंगे कि ये मिक्स हो जाए बस थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा मैं ब्लेंडर ऑफ़ कर दूंगी, बंद कर दिया हमने, ठीक है। अब जो बाकी का बचा हुआ है वो भी हम इसी तरह डाल देंगे, 3 से 4 चम्मच करके डाल देंगे, इस तरह कर करके हमें थोड़ा थोड़ा करके उसको ब्लेंडर को चलाते रहना है, और ये हमारा जो बैटर है, ये मिक्सचर है, ये भी मिक्स होता जाएगा। मिक्स करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इस तरह कर आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा इजी रहेगा केक, ठीक है। अब जो हमारा बचा हुआ वो भी मैंने इसमें थोड़ा डाल दिया, अब इसको अच्छी तरह से हम लोग ब्लेंड कर देंगे। इस तरह ब्लेंड नहीं करना कि बिल्कुल ही, बस इस तरह करना है कि थोड़ा सा मिक्स होता जाए,
हल्का सा मिक्स हो जाएगा, उसके बाद जो थोड़ा सा रह जाएगा वो मैं स्पैचुला से कर लूँगी। तो और मेरी वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आप लोगों को उसकी कुछ बेसिक ट्रिक्स बताऊँगी बेकिंग की, जो बेकिंग में बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था, मिक्सर मैंने इसमें डाल के ब्लेंड किया है, ज़रा सा जो आसपास रह गया है वो मैं स्पैचुला से मिक्स कर दिया, ठीक है। स्पैचुला से मिक्स कर दिया मैंने अच्छी तरह से। अब हम इसमें अपने किसी भी चीज़ में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि हमें डालने में आसानी रहे, ठीक है। अब हम अपने कपकेक लाइनर्स में हाफ हाफ बैटर डाल देंगे, हाफ से भी थोड़ा कम, क्योंकि फूलेगा तो उसको फूलने के लिए भी थोड़ा स्पेस की ज़रूरत होगी। अब थोड़ा थोड़ा डालकर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते रहेंगे, ठीक है। आज मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में, तो थोड़ी अगर कमी बेशी रह गई हो तो आप लोग थोड़ी अवॉइड करिएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा अपना बैटर डाल देंगे इसके अंदर। इसके बाद हम लोग इसको प्री हीट ओवन में अपने रखेंगे, आधा घंटा आप ओवन को प्री हीट कर लें पहले, उसके बाद हम अपने कपकेक रखेंगे उसके अंदर। और 20 मैक्सिमम हम लोग 20 मिनट में हो जाते हैं, अगर आपके नहीं हो तो आप 25 मिनट भी रख सकते हैं अपने कपकेक्स, ठीक है। और आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अब हम लोगों ने अपना बैटर डाल दिया है, सही है, कपकेक का। अब मैं इसमें एक लेयर टॉफ़ी, आपने अपना बैटर डाल दिया है। अब जो मैंने टॉफ़ी ली है इसमें एक लेयर टॉफ़ी, उसको मैंने हाफ हाफ करके इसके बीच में लगा देंगे। आप चाहें तो फुल भी लगा दें, मुझे बहुत सारे बनाने तो मैं इसमें हाफ हाफ डाल रही हूँ ताकि सब में पूरा हो जाए, ठीक है। आप लोग इसको हाफ कट करके उसके बीच में डालते जाएगा, ठीक है। फिर ये मेल्ट होके इसमें इसका टेस्ट आ जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा, तो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है एक लेयर कप चॉकलेट कप केक। तो आप लोग हाफ हाफ करके इसके बीच में डालते जाएँ, ठीक है। इस तरह हाफ हाफ करके रखेंगे ताकि, क्योंकि सब में सब, क्योंकि बहुत सारे बनाने तो इसमें पूरे हो जाएंगे। अब आप लोग इसमें डाल दें, ठीक है। आप लोग चाहें तो फुल भी डाल सकते हैं। अब हम देखें इसमें डाल के, अब मेरा प्री हीट ओवन है, अब मैंने अपने ग्लव्स वेयर कर लिए हैं। अब मैं इसमें ओवन में रखूँगी अपनी ट्रेस को ताकि बेक हो जाए। मैक्सिमम मैं 15 से 20 मिनट रखूँगी, ठीक है। अगर नहीं हुए तो फिर मैं 5 मिनट और रख दूँगी, ठीक है। अब मैंने ओवन में रख दिए अपने कपकेक्स, देखें अब 20 मिनट हो गए। 20 मिनट बाद मैंने इसको निकाला है चेक करके फोक की मदद से, फोक हमारा सूखा आ गया तो इसका मतलब है हमारे बेक हो गए हमारे कपकेक्स। ये देखें हमारे कपकेक बेक हो गए और ये बेक होके निकल गए, ठीक है। अब मैंने देखे सारे जितने भी कपकेक्स मैंने बनाए हैं 2 बैचेस में, वो मेरे सारे बेक हो चुके हैं। बेक होके मैंने इसको ट्रे में निकाल लिया, मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ, ठंडा करके फिर मैं इसको सर्व करूँगी, सजाऊँगी, ठीक है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बतानी है। सबसे पहली टिप तो ये है कि आप लोग बेकिंग की जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें वो सब रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए, ना अंडे, ना मैदा, ना बेकिंग पाउडर, ना कोको पाउडर, ना हमारा ऑयल, ना बटर, कुछ भी। हमारा सब चीज़ें ना रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठीक है। इससे हमारी बेकिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। देखिए अब मैंने क्लियर कपकेक खोल के दिखाया है तो आप लोग नज़र आ रहा होगा, मेल्ट हो गई है टॉफ़ी इसके अंदर ही, और ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और इसकी सॉफ्टनेस भी देख लें आप लोग कैसी बनी है, और स्पॉन्जी कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा।